कैसा रहेगा अगर आपको आमची मुंबई के फूड का टेस्ट जयपुर में खाने को मिल जाए, होगी ना बड़े मजे वाली बात। सो हेलो, मैं हूँ आपका दोस्त रोज जयपुर डूड। सो डूड, आज मैं आपको लेके आया हूँ मुंबई रेस्टोरेंट कैफे, जो कि है ये है पूरा जगतपुरा रोड, और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो वो है डीमार्ट। डीमार्ट से आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ये मुंबई रेस्टोरेंट कैफे। और आज क्या करने वाले हैं, अपन अंदर चलने वाले हैं और यहाँ का एम्बियंस और यहाँ का फूड एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं और साथ में मिलके एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ का बाहर का कुछ एम्बियंस और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये भैया यहाँ पे गोलगप्पे खिलाते हैं। भैया आपका नेम? तो आपको अगर गोलगप्पे आलू चाट खाना है तो आप यहाँ पे बाहर आके, बाहर मस्त हवा चल रही है, यहाँ पे बैठ के आप खा सकते हो। और बाहर भी जो है आप यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे बैठ सकते हो। एक वहाँ पे कूल सी सीट लगा रखी है, वहाँ पे बैठ सकते हो। तो अब अंदर चलते हैं अपन। तो यहाँ का है ये एम्बियंस अंदर का, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है सेटिंग्स है। और इधर है कपल्स के लिए, सिंगल्स में बैठना चाहते हो तो यहाँ पे बैठ सकते हो। और लगभग 10-12 लोगों की सीटिंग यहाँ पे है, और थोड़ी बहुत सीटिंग आप लोग बाहर बैठ सकते हो। यहाँ पे नाइट में जो है बाहर टेबल्स भी लग जाती है। और एक जो है ऊपर इनका फ्लोर बन रहा है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे भी ये बना रहे हैं। और इधर का आप लोग देख सकते हो ये है एम्बियंस, ये रिसेप्शन इधर, और ये इधर टेबल्स है, चेयर्स है, और साथ में कूल सा एम्बियंस। और ये मेरे को सबसे अच्छी लगी यहाँ की चीज़, ये देखो कितना प्यारा आर्टवर्क लगा रखा है यहाँ पे, आमची मुंबई, सिटी ऑफ ड्रीम्स, लोकल मुंबई, मुंबई सर्वाइवल, हॉट चेक। ये पूरा जो देख सकते हो आप, इसमें पूरा जो है मुंबई कवर हो चुका है, पूरा बॉलीवुड, ट्रेन आ गई, कार आ गई, मुंबई की जो मोस्ट विजिटिंग प्लेसेस है, इंडिया गेट, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो चलिए अब जो है आपको यहाँ का मेन्यू दिखाते हैं। और ये है यहाँ का मेन्यू, ये इनका लोगो है मुंबई रेस्टोरेंट कैफ़े, और कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये है यहाँ का मेन्यू। तो इधर है अपने पास सैंडविचेस, और आप लोग रेट देख सकते हो जो कि काफ़ी रीज़नेबल है, जो आपको बाहर स्टॉल्स वगैरह पे मिल जाएगी वही रेट्स आपको जो है अंदर मिल जाएगी। 5-10 रुपए का ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। कभी कभी कोई कोई चीज़ों की, जैसे कटिंग चाय है, यहाँ की कटिंग चाय आप लोग देख सकते हो केवल 10 रुपये की है, और इनफैक्ट आपको कहीं आप बाहर जाओगे तो चाय भी आपको कई जगह 20 रुपये की, 30 रुपये की मिलती है, बट यहाँ पर जो है सेम रेट है, कटिंग चाय 10 रुपये। सैंडविचेस का है इधर, ये मोमोज़ के है, ये मोमोज़ के रेट्स है, बर्गर वेज, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड कॉफ़ी, ये सारे शेक्स आ जाएंगे, आइसक्रीम्स आ गए यहाँ पे। यहाँ पे आ गया अपना मैगी, नूडल्स, पास्ता, और सुप्रीम में ये सारे अपने पिज़्ज़ा वगैरह ये सब चीज़ें आ जाएगी। ये पिज़्ज़ा का कॉम्बो भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, जिसमें एक पिज़्ज़ा है और कोल्ड ड्रिंक साथ में, ये सब कॉम्बोज का है। इधर बर्गर का कॉम्बोज है। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश वर्मा, मैंने अभी न्यू स्टार्ट किया है मुंबई कैफ़े के नाम से। यहाँ पे आपको मुंबई का टेस्ट मिलेगा जो आपको जयपुर में बहुत ही कम जगह हो सकता है ना ही मिले, जैसे कि कटिंग चाय होगी मुंबई की, कुल्लड़ चाय हो गई है, पानी पूरी हो गया है मुंबई का स्पेशल। आपको यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी अगर आप देखोगे तो टेस्ट एकदम डिफरेंट है, आपको जो टेस्ट कहीं जयपुर में नहीं मिलेगा वो आपको यहाँ टेस्ट मिलेगा। तो मैं चाहूँगा आप एक बार आओ, ट्राई करो और अपना फीडबैक दो। और आप भैया के थ्रू आओगे तो आपको 15% ऑफ है। टाइमिंग अपनी जो है मॉर्निंग में 10 बजे ओपन हो जाता है, जिसमें रात में 12 बजे तक अपना चालू रहता है। अभी जो है सबसे पहले ऑर्डर में अपन को मिली है यहाँ की कटिंग चाय, तो मुंबई की कटिंग चाय, इसको टेस्ट करते हैं और आप लोगों को मैं टेस्ट बता दूँ कि मुंबई की कटिंग चाय का टेस्ट कैसा है। आहा यार, ये सबसे बढ़िया चीज़ लगी मेरे को यार, इसकी प्राइस सिर्फ 10 रुपये ही है, मतलब इतने कूल एम्बियंस पर आके आप इतनी सस्ती चाय आपको कहाँ मिलेगी, इतना बढ़िया एम्बियंस है, और प्राइस बहुत यहाँ पर रीज़नेबल मिलेगी आपको, केवल 10 रुपये में इतनी कूल। और यहाँ पे अपने पास एक वेज ग्रिल सैंडविच एंड कोल्ड कॉफ़ी, और इसकी प्राइस देखो, आप प्राइस बताता हूँ मैं, आप दोनों की कंपेयर करना आप और जगहों से। ये देखो, ये केवल 49 की है ये, और साथ में ये कोल्ड कॉफ़ी भी है जो है केवल 59 रुपीज़ की, इतना बड़ा ग्लास। टेस्ट करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। नाइस, ऐसी गर्मी में कोल्ड कॉफ़ी मिल जाना तो इससे बेस्ट चीज़ कुछ नहीं है। और अगर आप भी कोल्ड कॉफ़ी लवर हो एक, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना अगर आपको भी कोल्ड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। वी मस्ट
गार्निशिंग की है भैया ने इसकी, और फुल चीज़ से भरा हुआ ये। अब इसको टेस्ट करते हैं अपन, कैसा इसका टेस्ट। आ हाँ, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, अगर आप भी आओगे और ये ट्राई करोगे तो आपके मुंह से भी ये शब्द निकलेंगे, वाह वाह मज़ा आया। अगर आपको कोई ऐसी प्लेस पता है फूड के ट्रैवल की जयपुर में जो आप चाहते हो मैं एक्सप्लोर करूँ, तो आप प्लीज़ सर कमेंट करके बताना, या मेरे को इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं वो जगह ज़रूर जाके एक्सप्लोर करूँगा आप लोगों के लिए। बस अभी जो है मैंने अपना फेवरेट आइटम ऑर्डर किया है जो कि है वाइट पास्ता, तो अब मैं आपको वाइट पास्ता के बनते हुए कुछ शॉर्ट्स दिखाता हूँ, आइए। तो गाइस जो मेरा फेवरेट आइटम था, जो फेवरेट फूड था, वो मैंने कहा था मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, और वो देखो आ चुका है। तो वी हैव वाइट पास्ता हियर, और आप लोग देख सकते हो ये है यहाँ का वाइट पास्ता जो कि दिखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो अब इसको टेस्ट करते हैं और आप लोगों को टेस्ट बताता हूँ कि कितना ज़्यादा टेस्टी है। और बहुत गर्म है क्योंकि अभी अभी जस्ट बन के आया है, टेस्ट में दम है भाई। और इसकी जो रेट होने वाली है वो मैं आप लोगों को मेन्यू में बताता हूँ एक बार क्या रेट है इसकी। ये है पास्ता 129 का, इतनी क्वांटिटी आप लोग देख सकते हो, ये पूरा नीचे तक फिल है। ये देखो गाइस, ये देखो कितनी क्वांटिटी है 129 में आपको। गाइस अभी जो है हम सबसे जो सबका फेवरेट आइटम होते हैं वो ट्राई करने वाले हैं, डेट इज़ गोलगप्पे, और भैया हमको गोलगप्पे खिलाने वाले हैं, और देखते हैं यहाँ के गोलगप्पों का टेस्ट कैसा है। यह आ चुका है हमारा गोलगप्पा, बहुत ही टेस्टी है भाई, ये सबसे बढ़िया लगा मेरे को। गोलगप्पा ज़रूर ट्राई करना, क्या प्राइस है भैया गोलगप्पों की? 20 का 6। इस गोलगप्पा तो ज़रूर ट्राई करना एक बार, बहुत टेस्टी है, स्पाइसी भी है और मज़ा बहुत आने वाला है आपको। मिर्ची लग रही है मेरे को बट खाने में मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी है इसका पानी जो है ना, बहुत ही बढ़िया। नीचे तो अपनी है बैठने की जगह, अगर आप लोग ऊपर आओगे तो आपको जो है यहाँ पे भी जो है अभी थोड़े टाइम बाद यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएगा। अपन आ चुके हैं अब टेरेस पर, टेरेस पे जो है अभी यहाँ पे काम वाम चल के यहाँ पे भी बैठने का हो जाएगा फर्स्ट क्लास। और पीछे व्यू देखो ये अपने अरावली माउंटेन्स, और साथ में इतने सारे पेड़, हरियाली हरियाली। साइड पे आप आओगे तो सामने आपको देखो इधर से रोड मिल जाएगी इतनी प्यारी अपनी, ये है डी मार्ट, और डी मार्ट के जस्ट बगल में ही अपन को कैफ़े देखने को मिल जाएगा, मुंबई रेस्टोरेंट कैफ़े। और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को, अब जो है अपन जयपुर के मोस्टली कैफ़े एंड रेस्टोरेंट्स भी एक्सप्लोर करेंगे, तो आपकी नज़र में अगर कोई ऐसा कैफ़े एंड रेस्टोरेंट हो जो आप चाहते हो कि मैं उसको जाके एक्सप्लोर करूँ, तो आप जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है यहाँ पे जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कि डूड ये जगह जाके जयपुर में ज़रूर एक्सप्लोर करो, तो मैं वहाँ जाके ज़रूर एक्सप्लोर करूँगा आप लोगों के लिए। बाकी यार वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।